भोजपुरी सिनेमा की ताजा तरीन खबरों के लिए बिंदास भोजपुरिया के साथ जुड़े ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी के निशान पर क्लिक करें। बिंदास भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, मतलब सारी खबरें मुफ्त में पाएं। मोदी सरकार का ये जो कार्यकाल है पूरा 5 साल का, उसे कैसे देखते हैं कुणाल सिंह, क्योंकि इलेक्शन भी लड़ चुके हैं ये? जी हाँ, मैं 2014 में पटना साहिब से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था और मैं श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। और पिछले 5 वर्षों में जो जुमलों को इस्तेमाल करके सरकार बनी थी, मुझे लगता है कि कोई भी हिंदुस्तानी उन जुमलों पे यकीन करके उनको सत्ता में बैठाया था, लेकिन वो ख्वाब पूरे नहीं हुए। मुझे लगता है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए एक समस्या खड़ी करेगा, चूँकि अगर आप राजनेता हैं, आप देश की बागडोर आपके हाथ में है, तो लोगों के तकलीफ़ों को, लोगों की समस्याओं को अगर आप नहीं सुलझाएंगे, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि जैसे मोदी जी ने 2014 में कहा था कि जादू की छड़ी और हिंदुस्तान की तकदीर बदल देंगे, वैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको सेंसिटिव होना होगा, उन समस्याओं को जानना होगा, उसे दूर करने का प्रयास करना होगा। और आज मैं देखता हूँ जो सत्ताधारी दल के तमाम नेता इतने घमंड में हैं, जैसे लगता है कि हमेशा वो सत्ता पे काबिज रहने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा उनके लिए नुकसानदेह है। कुणाल भैया, वैसे शत्रुघ्न सिन्हा शॉर्टन साहब का जो मिजाज है वो बदला हुआ है, बागी के और उन्होंने अपना लिया है, लगता है पटना साहिब वाली सीट से आपका मैदान इस बार खाली है? देखिए, जब आप राजनीति में हैं तो आपको पार्टी दूसरे क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने के लिए कहती है, किसी और जिम्मेदारी को निभाने के लिए भी कहती है। आपने देखा होगा कि केंद्रीय मंत्री रहे कमलनाथ जी या अशोक गहलोत जी, ये लोग केंद्रीय राजनीति में थे और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो मुझे नहीं मालूम मेरी पार्टी मुझे क्या जिम्मेदारी देने वाली है, दूसरा क्षेत्र देगी चुनाव लड़ने के लिए या फिर प्रदेश की राजनीति में कहीं इस्तेमाल करेगी। कांग्रेस का सिपाही हूँ, जो जिम्मेदारी देगी निभाऊंगा। इस बार अगर पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा के सामने फिर से अगर कुणाल सिंह को कांग्रेस टिकट देती है, तो आपको लगता है कि आप खंड ना सिर्फ खड़े होंगे बल्कि आपको जीत की कितनी उम्मीदें हैं? क्योंकि हवा बदली है। मैं निश्चित रूप से जीतूंगा, क्योंकि हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा जी मेरे बड़े भाई की तरह है और ये तो नीतियों की लड़ाई है दो भाइयों के बीच, वो उस पार्टी की नीति पे यकीन रखते हैं, मैं इस पार्टी की नीति पे यकीन रखता हूँ, लेकिन जनता में जो आक्रोश है, जो तकलीफ झेल रहे हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, अभी अभी राफेल का मामला आया है, तो कहीं ना कहीं वो आक्रोश है बदलाव के लिए और इसका लाभ मुझे मिलेगा। और मैं खुद राजनीतिक परिवार से रहा हूँ, मेरे पिताजी बिहार सरकार में मंत्री रहे कई वर्षों तक, तो राजनीति भी मैं जानता हूँ और मैं राजनीति से फिल्मों में आया हूँ, ना कि फिल्मों से राजनीति में गया हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान, लोगों की समस्याओं को समझता हूँ। आखिरी सवाल, प्रियंका गांधी वाड्रा के कांग्रेस में एक्टिव होने से, महासचिव बनने से, इस चुनाव में खास तौर पर कांग्रेस को कितना और क्या फायदा होगा? देखिए, प्रियंका जी के आगमन का इंतज़ार हम कांग्रेसियों को बहुत दिनों से था और लोग उम्मीद भी करते थे। उनकी एक छवि है दूसरे तरह की, एक ममता से भी परिपूर्ण, एक जो समस्याओं से उनका पूरा परिवार घिरा है, जहां बदले की राजनीति होती है वहां भी वो लड़ रही हैं एक महिला होने के बावजूद, और महिला होने से महिलाओं और युवा होने से युवाओं की तकलीफ को वो ज़्यादा करीब से समझती हैं, तो मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति जिम्मेदारी उनको दी गई, राजनीतिक जिम्मेदारी, बखूबी निभाएंगी और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर कांग्रेस के लिए सच में अच्छा होगा कुणाल भैया, चलिए मैं उम्मीद करता हूं, तो क्यों ना फिर प्रियंका गांधी देश की प्रधानमंत्री हो जाएं? देखिए, प्रधानमंत्री किसी के बोलने से और किसी के सोचने से नहीं होता है, राजनीतिक परिस्थितियां क्या हैं, सहयोगी दलों का विचार क्या है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं और हमारी पार्टी में फिर जो लोग क्या सोचते हैं, लेकिन आज के दिन में राहुल गांधी जी ही हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। अगर हमारी पार्टी को
बहुमत आया तो, अगर महागठबंधन को बहुमत आया तो फिर सब दल मिल के बैठ के फैसला करेंगे प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अगर प्रियंका गांधी को आगे करने से कांग्रेस को राजनीतिक फायदा मिलता है तो फिर उन्हें देश के बागडोर संभाल देने में क्या परेशानी है? नहीं, अभी बहुत जल्दी है, अभी तो पहले चुनाव हमें 2000 में लड़ना है, एक बदलाव लाना है, मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकना है, फिर हम धीरे धीरे मंजिल तय कर लेंगे, परेशान मत होइए। थैंक यू भैया।